हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा मंडे ब्लूज़ वीडियो, सॉरी ये वापस ट्यूसडे को आ रहा है, सो सॉरी, इसके आगे ऐसा नहीं होगा, फॉरगिव मी वन मोर टाइम। और इस वीडियो का टॉपिक रहेगा ट्रस्ट योर गट। आपने वो कहावत सुनी होगी कि सुनो सबकी और करो अपने मन की, तो यही एक वीक का मेरा एक मोटो रहेगा कि जो मेरी गट फीलिंग्स है अलग अलग चीज़ों के रिलेटेड, उनको मैं फॉलो करूं। भले मैं ओपन रहूं अलग अलग लोगों के अलग अलग सजेशंस के लिए, लेकिन करूं वही जो मुझे भाता है, जो मुझे समझ में आता है। सो ऐसे मैंने पहले भी किया है अपने फैशन को लेकर। मेरा फैशन सबसे वियर्ड है, ऐसे मुझे मेरा बीएफ कहता है, लेकिन मुझे वो पसंद है, सो मैं वो कंटिन्यू कर रही हूँ। और सिमिलरली मैंने अपने करियर के साथ भी वही किया है। मुझे लोगों ने बहुत सारी टिप्स नहीं दी कि तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने अपने पैशन को फॉलो किया और मेरे गट फीलिंग को सुना। और आज जो मैं कर रही हूँ उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ और मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। सो ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें लोग हमें सजेशंस देते हैं और हमें उसे फ़िल्टर करना पड़ता है कि क्या करना है। इट्स ओके अगर लोग आपको सजेशन कर रहे हैं तो वो अच्छा ही है, आपके बारे में लोग सोच रहे हैं और उनको केयर है आपकी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और ये आपको आपके गट से पता चलता है। अगर आप एक बार आपकी गट फीलिंग की सुनते हो और उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आता है, तो भरोसा हो जाएगा कि मुझे हमेशा मेरे गट फीलिंग को सुनना है। सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, जब मैं अपने गट फीलिंग की सुनती हूँ या नहीं सुनती हूँ तो एंड रिज़ल्ट अगर उसके आसपास होता है तो मुझे बुरा लगता है अगर मैंने उसे फॉलो नहीं किया होता है, और अच्छा लगता है अगर मैंने उसे फॉलो किया होता है। सो अभी मैंने ये क्लियर कर दिया मेरे माइंड में कि कुछ भी हो मुझे मेरी गट फीलिंग की सुननी है, और जो भी एंड रिज़ल्ट हो उसे मैं एक्सेप्ट करूँगी, क्योंकि वो मेरा खुद का डिसीजन होगा, किसी और के डिसीजन में इन्फ्लुएंस आके मैंने वो नहीं किया होगा। ऑफकोर्स मैं ओपन हूँ सजेशंस के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आप भी मुझे बता सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर करना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो मेरे हाथ में होगा कि मैं शूट किस वीडियो पे करूँगी। सो ऐसे ही हम अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, और मैं मेरे वर्क लाइफ में यही एक फंडा अप्लाई करने वाली हूँ इस एक वीक में, देखते हैं क्या होता है। आई होप सो, मेरी गट फीलिंग बोल रही है सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। इस वीक का पिक्चर रहेगा ये मैंने मकर संक्रांति के डे पर साड़ी पहनी थी अलग स्टाइल से, और विंटर चालू है तो मैंने प्रेरणा छाबरा जिनका एक वीडियो देखा और उसमें से जो भी मेरे पास था उसको स्टाइल करने की कोशिश की, और जो भी एक्सेसरीज़ वगैरह स्टाइल की है वो मेरे तरीके से स्टाइल की है, उसके वजह से मुझे सुनना भी पड़ा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने उसको आंसर किया है, बैकफायर किया है ये बोल के कि ये मुझे अच्छा लगता है और ये मेरा स्टाइल है। सो अगर आपको नहीं पसंद आता है आप मत कमेंट करिए, मैंने आपको पूछा नहीं है। सो दैट्स दी एटीट्यूड आई थिंक, लेकिन ये एटीट्यूड अपने आप में कंस्ट्रक्टिव कॉन्फिडेंस लाने के लिए काम आता है। सो अगर आपको किसी को बैकफायर भी करना पड़े जो आपके बहुत ही करीब है, आप करिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी बात है। आपके जो रिलेटिव्स है या जो क्लोज़ फ्रेंड सर्कल है वो आपको ज़रूर कमेंट करेंगे जब आप अच्छा कुछ करोगे, लेकिन जब आप कुछ बुरा कर देते हो या फिर आपने कुछ तिगड़म कर दिया है तो उसमें भी आपको सपोर्ट अपने आप से लाना चाहिए, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। एंड आपकी गलतियाँ आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, बहुत ही छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने मन की सुननी है, ना कि दूसरों की सुननी है। अगर आप दूसरों की सुन के अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर करोगे तो कभी ना कभी स्ट्रक्चर हिल सकता है, डगमगा सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी क्लिक करिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।